वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग CSIR नेट दिसंबर 2011 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको हर ईयर पूछता है, तो इम्पॉर्टेंट है इस तरह का क्वेश्चन, तो हम लोग इसी तरह का क्वेश्चन आज देखेंगे, ठीक है। तो पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पॉज कर लीजिए वीडियो को और ख़ुद से ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपसे एक बार बन जाएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है, ठीक है। चलें देखें क्या करता है क्वेश्चन। तो देखिए, चूँकि ग्रुप सी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको, चूँकि मोर देन वन ऑप्शन भी आपका करेक्ट होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो R7 से R7 है, ठीक है। यानी सेवन डायमेंशनल रियल स्पेस टू सेवन डायमेंशनल रियल स्पेस, ठीक है। और आपको टी जो है डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप इस तरीके से लेते हैं X1, X2, X3, X7 का इमेज निकालते हैं सेवन टपल का, तो वो रिवर्स ऑर्डर में आपको मिलता है। यानी पहले X7, फिर X6, X5 करते हुए X1 तक, ठीक है। तो यहाँ पे कोई बेसिस नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपको स्टैंडर्ड बेसिस में दे रखा है, ठीक है। तो हम लोगों को इन ऑप्शन को चेकआउट करना है, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो मैट्रिक्स होगा वो वन हो सकता है कि नहीं, ठीक है। या कोई बेसिस हमको मिल सकता है R7 का, जिसके लिए मेरा जो मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। T7 का वैल्यू आइडेंटिटी होगा, ये चेकआउट करेंगे। और स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट T7 इज i इज इवन, देख लेते हैं हम लोग पहले मैट्रिक्स क्या आता है, ठीक है। जो देखिए अपना तरीका है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप देखिए यहाँ पे जैसे चूँकि स्टैंडर्ड बेसिस में है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेसिस में मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि अगर आप स्टैंडर्ड बेसिस में काम करते हैं तो आप डायरेक्टली मैट्रिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट जो मैट्रिक्स लिखेंगे वो क्या आएगा, देखिए, तो यो यहाँ पे ये आएगा, जैसे X7 है ना पहला वाला, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0 × ठीक है X1 + 0 × X2 + करते हुए आपका लास्ट में सिर्फ जो है 0 × X6 होगा, ठीक है। और सिर्फ लास्ट में आपका 1 × X7 होगा, बात फॉलो कर रहे हैं ना, अगर हम लोग सब का यूज़ करें तो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा ये। तो अगर इस तरह से लिख लेते हैं तो आपको मैट्रिक्स लिखना इजी हो जाता है। जो X7 है वो ये है, ठीक है। तो इसका जो कोएफिशिएंट है उसको आप रो में लिख लीजिए, 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 और 1, ठीक है। 7 एलिमेंट है तो 6 आपका 0 हो गया, पहला 6 और आखिरी वाला आपका 1 आ गया, ये आ रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है पूरा, स्टैंडर्ड बेसिस में ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर X6 है, X6 का मतलब है कि हमको ये वाला 1 मिलेगा, बाकी सब क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या है, फिर आपका X5 में 1 आएगा, बाकी सब आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखिए मैट्रिक्स लिखना काफ़ी सिंपल हो जा रहा है, इस तरीके से आप इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स आपका आ जाएगा इस पैटर्न पे, ठीक है ना। तो ये देखिए मेरा मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं थोड़ा। जैसे ये जो मैट्रिक्स है तो इसमें क्या आप देख रहे हैं कि नॉन प्रिंसिपल डायगोनल में आइडेंटिटी एलिमेंट है 1 1 1 है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग रिजल्ट जानते हैं, इसका आप एक रिजल्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि ऐसा केस हो अगर, बात समझिएगा, ठीक है, ओके। तो जब भी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल का हम लोग काम करते हैं, ओके, तो इसमें जैसे ये आपका क्या है, ये आपका 7 ऑर्डर 7 का है, कितना है 7 ऑर्डर 7 का, ठीक है। तो इस तरह का अगर ये n ऑर्डर n का हो, ठीक है, फॉर n×n, अगर n ऑर्डर n का हो तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है इस तरह का नॉन प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, वो आपका होता है -1 का पावर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर n/2, ये होता है, ये इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल वाले मैट्रिक्स का, याद रखिएगा, ठीक है। किसका हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स आपको मिलता है डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब नॉन प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में ये आपका यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है ना, यूनिट का नॉन प्रिंसिपल डायगोनल आपके पास में है, तो उसका डिटर्मिनेंट आपको ये मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो आपका 7 है, तो
तो अगर हम लोग 7×7 के लिए बात करें तो डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 का पावर, ठीक है, 7/2। 7/2 का मतलब क्या हो गया, 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलिए या अपर सेलिंग वैल्यू बोलिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस, तो ये आपका -1 आ जाता है, ठीक है। तो यानी 1 तो नहीं है, 1 नहीं है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक देखिए और एक रिज़ल्ट है, ये तो हो गया रिज़ल्ट नंबर आपका 1, ठीक है। जो दूसरा रिज़ल्ट है वो ये है इसका, कि जब भी आप इस तरह का मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है ना, तो जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जब आप t^n करेंगे, t^n, ठीक है, t^n है, याद रखिएगा, ये रिज़ल्ट किसके लिए है, तो यही नॉन प्रिंसिपल, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स के लिए है, हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, डायगोनल से अच्छा रहेगा क्योंकि हर जगह आपका 1 है, ठीक है। तो नॉन प्रिंसिपल जो स्केलर मैट्रिक्स होता है, स्केलर, ठीक है, मैट्रिक्स होता है, इसके लिए ये होगा कि tn का जो वैल्यू है, ठीक है, वो याद रखिएगा, ये आपको मिलेगा क्या, ये आपको मिलेगा आइडेंटिटी, कब मिलेगा, जब आपका n इवन होगा, n इवन, बात समझिए, यहाँ पे n जो है मेरा क्या है, वो है पावर, n क्या है, n पावर है, यानी अगर आप इवन पावर करेंगे, यानी t का स्क्वायर निकालेंगे, t का पावर 4 निकालेंगे, तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है, चाहे किसी भी ऑर्डर का हो, ऑड ऑर्डर का हो या इवन ऑर्डर का हो, ठीक है। अच्छा, और आपको n अगर ऑड होगा, n अगर ऑड होगा, ठीक है, तब ये क्या मिलेगा, ये आपको t के इक्वल मिलेगा, t के इक्वल, ठीक है। ये आप रिज़ल्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई भी एक छोटा मैट्रिक्स लेकर के आप उसको वेरीफाई करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा इजीली, ठीक है। जैसे आप अगर दो ऑर्डर का ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूँ क्या, 0 1 और 1 0, ठीक है, ये दो ऑर्डर का है, इसका अगर ये मेरा अगर टी है, इसका आप स्क्वायर करके देखिए, इसका स्क्वायर कीजिएगा ना, तो स्क्वायर क्या है, यानी इवन है, ठीक है, इवन पावर, तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है, ओके। 0 1 है, जब 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम टू सेम आप लोग कीजिएगा, ठीक है, टी इंटू टी, तो रो को हम लोग किस में करेंगे, कॉलम में करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू 1 आ जाएगा, फिर 0 फिर 0 1 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आप टी क्यूब करेंगे इसका, तो टी क्यूब में आपको फिर से यही मैट्रिक्स रिपीट मिल जाएगा, 0 1 1 0, यानी क्या आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा टी, 3 बार मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है, ये रिज़ल्ट भी याद रखिए। तो अगर इस रिज़ल्ट को हम लोग देखें तो आपका लास्ट वाला रिज़ल्ट सही हो जा रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर n सच दैट tn इज इक्वल टू i, यानी आइडेंटिटी कब होगा, जब n आपका इवन होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका एक आपका करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ देखिए t7 को i बोल रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर n ऑड है, चूँकि 7 मेरा ऑड है, तब तो ये टी होना चाहिए, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो एक ऑप्शन बच जा रहा है कि क्या कोई ऐसा बेसिस है जो डायगोनल मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर सकता है, यानी जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल दिख रहा है वो आपका ऐसे हो सकता है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इमेज है ना वो जस्ट रिवर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि डोमेन के साइड में हम लोग एक बेसिस ले लेंगे, ठीक है, जो स्टैंडर्ड बेसिस है उसका उल्टा, तो आप देखिएगा आपको जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा, उसको भी हम लोग यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है। अब कैसा बेसिस ले रहा हूँ ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड बेसिस का उल्टा होता है, ठीक है ना, तो मैं ले लेता हूँ बेसिस, एक ले लेता हूँ b1 और इधर मैं ले लेता हूँ b, ठीक है, इधर तो आपका वही स्टैंडर्ड बेसिस रहेगा, यानी e1 e2 e3 e4 से लेके e7, ठीक है, और इधर इसका उल्टा ले लेते हैं e7 e6 e5 से लेकर के e1, तो आप देखिए ध्यान दीजिए, तो इधर जो बेसिस है वो क्या है, वो अगर आप देखिएगा ऑर्डर से, ठीक है, तो पहला जो बेसिस है वो है आपका इस तरीके से लिखा जाएगा 1 0, बाकी सब 0 0 0, ऐसा ये पहला बेसिस है, ठीक है। और इधर जो आपका बेसिस का पहला एलिमेंट है वो क्या है, तो वो है आपका e1, तो इधर तो आपका वही स्टैंडर्ड बेसिस है, यानी आपका, अच्छा इधर पहले e7 है, तो e7 का मतलब हो गया कि आपका लास्ट में 1 होगा ना, तो 0 0 0 लास्ट में 1, ठीक है। और इधर जो है आपका वो वही स्टैंडर्ड बेसिस है, यानी पहले 1 0 0 करके, फिर आपका 0 1 करके, ठीक है,
और लास्टली आपका इसी तरीके से 0 0 से लास्ट में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हम ये बेसिस लेते हैं इस तरफ, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, तो अब इसका जो इमेज है वो क्या हो जाएगा, तो इसका इमेज देखिए क्या होगा। तो इसका इमेज, चूँकि इमेज क्या होता है, उल्टा हो जा रहा है, तो इसका इमेज हो जाएगा 1 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए, इधर तो आपका स्टैंडर्ड बेसिस है, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि स्टैंडर्ड बेसिस के केस में जो सेट ऑफ स्केलर है वो यही हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा 1, ठीक है, अल्फ़ा 2 से लेकर के अल्फ़ा 7 तक, यानी जो आपका पहला कॉलम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 0 0 0 0। तो ध्यान दीजिएगा, तो इस केस में जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा उसमें देखिएगा, उसमें पहला कॉलम क्या आ जा रहा है, पहला कॉलम आ जाएगा आपका 1 0 0 0, ठीक है, आपका फिर 7 है ना, 0 0 0, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा, ठीक है। अब देखिए, अब आप जब दूसरा एलिमेंट E6 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो होगा 0 0, ठीक है, लास्ट में 1 और 0। फिर इसका जब आप इमेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इमेज आपका हो जाएगा फिर से उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, पहले हो जाएगा 0 फिर 1 फिर 0 0 0 करके 0, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो फिर से इसको आप स्केलर में लिखिएगा, चूँकि स्टैंडर्ड बेसिस है इधर, तो फिर से सेट ऑफ स्केलर में इसको वही मिलेगा, तो इस बार आपको मिलेगा 0 1 0 0 0 0 0। अब आपका इसी पैटर्न पे मिलता चला जाएगा, यानी फिर आपका 0 0 1 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 1 0 0 0। अब आपको एक कन्फ्यूज़न में दूर कर दूँ, आप बोलेंगे कि उस टाइम मैंने रो वाइज लिखा, अभी मैं कॉलम वाइज लिख रहा हूँ, तो देखिए ये दोनों अलग अलग चीज़ है, इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जा करके जो प्लेलिस्ट है ना लीनियर अलजेब्रा का, उसको पहले पूरा पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। वो मैंने डायरेक्ट लिखा था, डायरेक्ट लिखने का तरीका था, स्टैंडर्ड बेसिस अगर दोनों तरफ हो तो डायरेक्ट आप मैट्रिक्स देख करके लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग रो वाइज पैटर्न में लिखते हैं, वो एक रिजल्ट था। और ये जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप किसी का इमेज निकालते हैं तो इमेज को आप फिर उस तरफ के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं, ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के बाद जो आपको सेट ऑफ स्केलर मिलता है उसको आप कॉलम में डालते जाते हैं, ये कहलाता है कोऑर्डिनेट वेक्टर, और यही आपकी मैट्रिक्स को डिज़ाइन करता है। तो वो आपका रिजल्ट था, ये आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, फिर ये आ जाएगा 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 आएगा 1 0, और लास्टली आपका आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 1। तो अब आप देख करके देख सकते हैं डेफिनेटली ये क्या है आपका, ये है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स है, चूँकि प्रिंसिपल डायगोनल आपको मिल रहा है, तो यानी हमको मेरे पास में एक ऐसा बेसिस हो सकता है R7 के लिए, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर B भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या क्या आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आ गया एक ऑप्शन नंबर B, ठीक है, और एक आपका ऑप्शन नंबर D, ठीक है जी। तो देखिए इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से आप बनाएंगे, बिल्कुल देखिए मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आपको थोड़ा सा अच्छे से करना है अटेम्प्ट, ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव होके करना है, तो डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन आप कर लेंगे, जो हर साल तकरीबन इस तरह का क्वेश्चन इस पैटर्न पे आपको कभी ना कभी पूछता ही रहता है, ठीक है। चले, तो आई होप अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा ताकि मुझको पता चले, और डेफिनेटली अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और जितने भी मेरे कंटेंट्स हैं प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, सबको देखते रहिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।